हेलो गाइज, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एचसीएस हो, कोई भी डिफरेंट एग्ज़ाम है उसमें जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम हुए हैं उसमें शेड्यूल से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सभी इन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हमने एपीएफसी और ईपीएफओ से भी क्वेश्चन लिए हैं इसमें। तो भाई गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है एमपीपीसीएस में आया हुआ है प्री 2010 में, कि भारत के संविधान में कितने शेड्यूल हैं। तो आपको पता है कि 12 शेड्यूल हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसमें 12 शेड्यूल हैं और जो पार्ट हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हैं ये है 22 टोटल पार्ट हैं। इसके बारे में हम अलग से डिटेल तो डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है जो आईएएस 2005 का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 20 पार्ट हैं। आपको पता कि पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि हमको पता कि 22 पार्ट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसका आप मतलब ये है कि पहली ए ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। हमारे पास बचे बी और सी में से। अब हम देखेंगे सेकंड वाला, देयर आर, कि ये कह रहा है कि 390 आर्टिकल हैं भारत के संविधान में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल हैं। यहाँ अगला कह रहा है कि थर्ड पॉइंट कि जो 9th 10th और 11th शेड्यूल है ये एडेड बाद में ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये याद रखना गाइस, आईएएस के क्वेश्चन ने पूछा हो, आईएएस के पेपर में आया वो क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि अगर आपने पहले स्टेटमेंट रॉन्ग कर दी तो ये गलत हो गया आपका। तो ये एलिमिनेशन मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका टाइम बहुत बचाता है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये कह भी क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये कह रहा है कि जो भारत का जो पार्लियामेंट है वो किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में लेके आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये कह रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड जजमेंट कैन बी मेड इट। ये कह रहा है कि जो 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉ लेके आई है पार्लियामेंट, उसको किसी भी तरीके से कोई भी कोर्ट ना तो उसको चेंज कर सकता है और ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, ना ही उसको एग्जामिन कर सकता है। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, 2018 का क्वेश्चन है आईएएस का, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसलिए इसमें सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो सी रॉन्ग, बी रॉन्ग और हमारा आंसर ए हो गया, क्योंकि ए इसका आंसर हमारा सही है। पार्लियामेंट आपने कई बार इसके बारे में न्यूज़पेपरों में भी पढ़ा होगा, टीवी वगैरह में भी देखा होगा कि बहुत सारे चीज़ें बहुत पार अपोजिशन ये मांग उठाता है कि इस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। हालांकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज हो गए थे बाद में। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो लिस्ट आपका स्पेसिफिक करता है भारत के नाम और जो टेरिटरी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो नाम और स्टेट की टेरिटरी के बारे में बताता है। तो आपको पता है कि पहला ही है इसमें। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरा शेड्यूल क्या कहता है। दूसरा शेड्यूल जो है वो अलाउंस और इमोल्यूमेंट और प्रिविलेज के बारे में बताता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके बाद चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जो स्टेट के लेजिस्लेचर काउंसिल जो स्टेट की होती हैं, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड सीएजी, इसके बारे में ये जो प्रिविलेजेज हैं और अलाउंसेज हैं उसके बारे में बताता है सेकंड शेड्यूल। अब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल के बारे में। ये ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है,
जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो यूनियन के हों, चाहे स्टेट के हों, चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हों, इसके अलावा जो ये जजेज की जो वो है ओथ वगैरह है उसके बारे में भी बताता है। तो ये गाइज हमारी बात आपके लिए हो गई। अब हम बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की। जो फोर्थ शेड्यूल है ये कहता है कि जो एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, जो राज्यसभा में कितनी स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट अलॉट की जाएंगी वो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। हम गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS 2003 में। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, ये UPPCS के RO AR 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह पहला क्वेश्चन मिलान वाला है सेवन्थ शेड्यूल। आपको पता होगा कि सेवन्थ शेड्यूल किससे संबंधित है। सेवन्थ शेड्यूल आपको ये जो लिस्ट वगैरह है उनसे संबंधित है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो ये आपकी जो ये लिस्ट है आपकी पावर को डिवाइड किया गया उसके बारे में है ये। और आठवां जो शेड्यूल है, आठवां शेड्यूल आपको पता है कि ये लैंग्वेज के रिगार्डिंग है। बी जो हमारा हो गया, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें बी हो गया ए, यानी कि इसमें जो बी बराबर ए हो गया है। अगर आपको नहीं पता, नौ शेड्यूल, अभी हम नाइन्थ शेड्यूल के बारे में बात किया है, नाइन्थ शेड्यूल जो सी वाला है वो फोर हो गया, सी वाला फोर हो गया। इसी प्रकार से जो टेंथ शेड्यूल है ये आपको पता है इसके बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि डी बराबर हो गया हमारा टू, और ए बराबर कितना हो जाएगा थ्री। तो ये आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी में फोर दे रखा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। तो इस टाइप से हमें ये करना है, क्योंकि ये इलेमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं। आप एक ही चीज़ से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कि यहाँ देखिए इसमें जैसे बी वाला है, बी एट शेड्यूल लैंग्वेज का है, तो ये ए आठ बी बराबर वन आ गया। तो यहाँ पे बी बराबर वन जो वह ए में है और फोर में है, ये हमारे कट हो गए। अब हम बात करते हैं जैसे नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल के बारे में, आप पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि सी बराबर हमारा हो गया टू, सी बराबर टू, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें ये इलेमिनेशन मेथड अपनाना है। तो हम गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कई बार IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं 2014 में पूछा गया, 1998 में पूछा गया, और हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया है। टेंथ शेड्यूल जो है इसके बारे में बताता है। फिफ्थ शेड्यूल मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, सेकंड शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया है। सेकंड शेड्यूल जो है दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि जो ओथ एंड अफर्मेशन है उसके बारे में बताता है। और जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल आपको बताता है सर्टेन प्रोविजंस जो हैं उनको कंट्रोल करता है, और जो ट्राइबल एरिया होते हैं जो शेड्यूल एरिया होते हैं उनके उनको एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल करता है ये। अब हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, जो सेव जो सिक्स शेड्यूल होता है इसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो ये स्पेसिफिक स्टेट के लिए है, जिसमें असम है, मेघालय है, और त्रिपुरा है, और मिजोरम है। ये ध्यान रखना, ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको एक बारे में बता दिया है सिर्फ और सिर्फ। हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि थर्ड शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख ली किस टाइप से क्वेश्चन पूछा। थर्ड शेड्यूल IAS UPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन, बिल्कुल सही है, फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, आपको जैसे नहीं पता इसके बारे में, कोई बात नहीं, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेजिडेंट की ओथ के बारे में तो आर्टिकल 60 में मेंशन है। आपको यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए कि इसमें जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला कहाँ पर गलत दे रखा है, पहले में आ रखा तो गलत हो गया, दूसरे में भी गलत हो गया, फोर्थ में गलत हो गया, सी इसका आंसर हो गया। तो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन का समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी
ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया और अलाउंसेस के बारे में बताया है, किस किस को अलाउंस मिलता है सेकंड शेड्यूल में। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, इनको रटना नहीं है, समझना है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन मेड बी ट्रांसफर ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट माइनिंग। अब आपको पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी मैंने बता दिया है आपको फिफ्थ शेड्यूल के बारे में, जो ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया को जो एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैंने सारे आर्टिकल का 12th आर्टिकल शेड्यूल के बारे में और बता देता हूँ, मैंने सारे को बता दिया है कि जो 9th है इसमें सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन है। एक बात और बता देता हूँ मैं 9th शेड्यूल के बारे में कि जो 9th शेड्यूल है ये इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, एक किस प्रधानमंत्री के दौरान इसका अमेंडमेंट हुआ था। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ध्यान रखना है 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये किया गया था आपका 1951 में। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में आईएएस में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा डिटेल में आप देख लेना इसके बारे में। अब हम बात करते हैं 12th शेड्यूल के बारे में। 12th शेड्यूल जो है वो म्यूनसिपालिटी के बारे में, और इसमें 18 मैटर होते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल के बारे में आप बता देता हूँ। 11th शेड्यूल है वो पंचायती राज के बारे में बताता है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मैटर है वो 29 है। ये क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस और यूपीपीसीएस में, और यह क्या कहते हैं यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप ध्यान रख लेना। जो 12th शेड्यूल है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में 1992 में ऐड किया गया था, और 11th शेड्यूल है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंडर इसको ऐड किया गया था। तो ये भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा बता दी। हम बात ये गाइज मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और हम इस आपके लिए बहुत सारे इस तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर कोई भी आपका सजेशन हो तो हमारी आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। इसके बाद एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी नॉलेज ग्रुप को आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हो, और यहाँ पर इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद गाइस।